और बीएसपी के बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्रा से बातचीत हुई है हमारे संवाददाता की, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, बीएसपी के वरिष्ठ नेता। सतीश, ये बताइए कि आज जो चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, जिन 14 सीटों पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 सीटों पर आप थे, 9 सीटों पर आप सेकंड पोजीशन में थे, क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर सीटें आपको मिल पाएंगी? बहुत कुछ गाँव पर लगा है कम से कम इस पेज में। देखिए, जिन 9 सीटों में हम लोग नंबर 2 थे, वो सीटें अब की बार हम जीत रहे हैं। अब की बार तो लखनऊ की सीट जीत रहे हैं। लखनऊ में अब की बार बीएसपी का खाता खुलने जा रहा है। जिस तरह से उत्साह सुबह से हम लोग हर जाके पोलिंग बूथ में देख रहे हैं, तो लखनऊ में बीएसपी ने जो काम लखनऊ के लिए करके दिखाया है, उससे बहन मायती जी ने लखनऊ के लिए काम किया है, तो अब की बार लखनऊ की जनता जो है, और जिस तरह से गुंडागर्दी माफिया गर्दियाँ फैली, तो उसको देखते हुए बीएसपी की तरफ अब की बार शहर का मतदाता और खासतौर से लखनऊ का एक तरफा वोट। तो जब लखनऊ भी सीट हम जीतने जा रहे हैं, तो पूरे जो 9 सीटें अन्य सीटें जिसमें नंबर 2 थे, उनको तो हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा ही रहे हैं। 3 जो हम जीत रहे थे पहले, वो तो जीतेंगे ही, लेकिन बाकी में भी हम ऐतिहासिक सीट। उत्तर प्रदेश में किससे मुकाबला मानती है अपना बीएसपी, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम ये नहीं कह सकते किससे, क्योंकि जितनी पार्टियाँ हैं वो अलग अलग जगह आपस में समीकरण बना करके बीएसपी से लड़ रहे हैं। आप 80 सीटें ले लीजिए, 80 की 80 सीटों में कोई जो भी पार्टी लड़ रही है, वो बीएसपी से लड़ रही है। और यही पिछली बार भी हुआ था, हम लोग 20 सीटें जीते थे और 47 सीटों में उत्तर प्रदेश के नंबर 2 थे। एक बात बहुत कही जा रही है कि खुद आप जिस बात के इंजीनियर थे, आप कि एक वक्त बीएसपी ने जो दलितों और सवर्णों को साथ लेकर जो समीकरण बनाया था, जिससे बीएसपी बहुत ऊपर गई थी, तो कहा जा रहा है कि वो समीकरण इस बार काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण सवर्ण जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ये इससे ज़्यादा गलत प्रचार नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी ने मिल करके ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज की क्या छीछा लेदर की है। उन्होंने मुरली मनोहर जोशी की छीछा लेदर देख ली, कलराज मिश्रा की छीछा लेदर देख ली, केशीनाथ त्रिपाठी जी की छीछा लेदर देख ली, कोई छोड़ा नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी में नहीं छोड़ा है, तो दूसरी पार्टी के दूसरे लोगों को, जो छोटे वाले लोग हैं, उनको उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता। गुजरात के जहाँ वो अपने प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आज एक भी ब्राह्मण समाज का वहाँ मंत्री नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक है स्टेट मिनिस्टर, राजस्थान में एक है स्टेट मिनिस्टर, हरेन पाठक 5-7 बार के MP थे, उसका टिकट काट दिया, वो पाठक थे। चौबे जी का 5 बार के MP थे, टिकट काट दिया क्योंकि चौबे थे। तो ये सवाल समाज की सारी बातें लोग भूल जाएंगे मोदी के लिए, कोई नहीं भूलता है। अब की बार वो याद कर रहे हैं, अब की बार सब जगह याद कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने को ईश्वर के ऊपर मान रहा है, कहता है हर हर मोदी बोलो, हर हर महादेव नहीं बोलो, तो उसको जवाब अब की पूरे उत्तर प्रदेश की सवर्ण जो जनता है और ब्राह्मण समाज तो दे ही रहा है, बाकी सब लोग। तो बीएसपी की बातें आपने सुनी, जिन 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में इस बार अभी मतदान हो रहा है, उसमें पिछली बार अगर 2009 की हम बात करें तो 3 सीटें केवल बीएसपी को मिली थी, लेकिन वादे और दावे आपने सुन लिए सतीश चंद्र मिश्रा के।